बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 78 पे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड। इसमें हमने जो रूल्स फॉलो करने हैं बहुत इजी है। कंटिन्यूस का मतलब यह है कि काम जारी है, कंटिन्यू है, अभी रुका नहीं, ठीक है। और ये प्रेजेंट का मतलब है कि हाल में है, इसको फेल हाल जारी भी कहते हैं उर्दू में। इसमें जो रूल है वो बहुत ईजी है के ही शी इट, इसके बाद इज लगता है और फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, और उसके बाद आई के साथ लगता है एम, फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, और वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ लगता है, प्लूरल नाउन से लगता है आर, फर्स्ट फॉर्म और आई एम जी। जैसे ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, ठीक है। तो इसको हम लेके चलते हैं, इन रूल्स को फॉलो करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे नहीं आता है, वहाँ पे इज एम आर के बाद नॉट लगता है, और इंटरोगेटिव में इज एम आर शुरू में आ जाते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो पहला इससे इसमें करते हैं फर्स्ट पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। बूंदाबांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग होता है बूंदाबांदी, जो हल्की हल्की बारिश होती है उसको कहते हैं बूंदाबांदी। नंबर टू, कुआं चल रहा है, द व्हील इज वर्किंग। नंबर थ्री, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूं, आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ। इज फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, इज फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, एम फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। उसके बाद नंबर फोर, चूल्हे से धुआं उठ रहा है, द स्मोक इज राइजिंग फ्रॉम द, इसको हम चूल्हे को हम कह सकते हैं स्टोव भी कहते हैं, और यहाँ पे हर्थ एक न्यू वर्ड है, हर्थ ये भी कह सकते हैं, ठीक है। द स्मोक इज राइजिंग फ्रॉम द हर्थ। फाइव इज, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स, कलेक्ट होता है जमा करना। नंबर सिक्स, मुझे चक्कर आ रही है, आई एम फीलिंग डिजी। डिजी होता है फील, डिजी होता है चक्कर आने, ये याद रखना पड़ेगा, फीलिंग डिजी होता है चक्कर आ रहे हैं। नंबर सेवन इज, आप अपने दोस्त को अलविदा कह रही हैं, यू आर, आप अपने दोस्त को अलविदा कह रही हैं, यू आर सेइंग गुड बाय टू your friend, you are saying goodbye to your friend. Number eight, point number eight is, वो दरिया में गोता लगा रहा है, he is diving in the river, he is diving in the river. डाई पिन होता है वो होता लगा रहा। नंबर नाइन, बच्चे शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, एन ओ आई एस ई, नॉइज होता है शोर, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। हमने नो जो है वो नाइन कर लिया है, हम आगे चलते हैं। नंबर टेन इज, अकबर गंदम काट रहा है, अकबर इज हार्वेस्टिंग वीट, हार्वेस्ट होता है काटना और वीट है गंदम। उसके बाद और दूध उबाल रही है, द वुमेन इज
बॉइलिंग मिल्क, नंबर 12 इज तलबा स्कूल को सजा रहे हैं, द बॉयज आर डेकोरेटिंग द स्कूल, नंबर 13 इज वो मुझे मिलने आ रहा है, ही इज कमिंग टू सी भी हो सकता है मीट भी हो सकता है, टू सी मी मीट मी, नंबर 14 हुकूमत ने स्कूल खोल रही है, गवर्नमेंट इज जी ओ वी ई आर एन गवर्न एम ई एन डी गवर्नमेंट इज ओपनिंग न्यू स्कूल, नंबर 15 इज अक्सर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय एल ई ए पी एस लीव्स एंड बी ओ यू एन डी एस बाउंस, लीव्स एंड बाउंस ये भी एक मुहावरा है प्रोवर्ब है, इसका मतलब है दिन दुगनी रात चुगनी, Pakistan is making progress by leaps and bounds. So by this way we have ably done 15 points for the exercise which was on 78 page number 78 related to present continuous tense.